हमारे साथ शत्रुघ्न सिन्हा हैं जो भी इस बार कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, आप एक बार इस बार कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं पटना साहिब में, अब तक आप बीजेपी के कैंडिडेट हुआ करते थे, क्या फर्क देख रहे हैं? नहीं, फर्क देख रहे हैं लोगों के उत्साह का, लोगों की एनर्जी है, ऊर्जा जो है वो देख रहा हूँ, क्योंकि उनको इस बात की बहुत खुशी हुई है। दो चीज़ें, एक तो उन्होंने देखा मेरे साथ पार्टी ने कैसे कैसे क्या क्या किया पिछले कुछ सालों में, जिस तरह से परेशान किया, कहीं निमंत्रण नहीं, कहाँ आमंत्रण नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई प्रसार नहीं, आप देखते गए, और इस तरह से मैं कहता गया लेकिन कहीं से कोई संरक्षण भी नहीं मिला, यहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी नहीं मिला ऐसा। तो एक तो उन्होंने वो देखा किस तरह से हमें, लेकिन मैं उसके बाद भी टिका रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि मैं कहता रहा कि मेरी पहली और आखिरी पार्टी है। लेकिन जब इसका इंतहा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो मुझे जब पार्टी, आप जो देख रहे हैं, जो आया हूँ और कांग्रेस परिवार में शामिल हुआ हूँ, शायद पहली और आखिरी बार शामिल हुआ हूँ, तो इसलिए शामिल हुआ हूँ, और शामिल होने के बाद देख रहा हूँ कि लोगों में बहुत उत्साह है। वो देख रहे हैं कि चूँकि मैंने वो वचन दिया था, वायदा किया था कि सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा, और मैं पटना आया, मैं अपने वचन की रक्षा के हेतु आया हूँ। आप तमाम लोगों को ये भी पता है कि देश में बहुत सारे जगह से मुझे लोग निमंत्रण दे रहे थे, चाहे ममता बनर्जी हो हमारी, चाहे हमारे दोस्त केजरीवाल हों या उनका परिवार हो, वो हमारा कांग्रेस परिवार तो हमारे साथ बहुत दिनों से था ही। आपको याद होगा हमने अपने किताब एनीथिंग बट खामोश में लिखा भी था, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में ही था, कि अगर मैडम गांधी जीवित होती तो आज मैं शायद कांग्रेस पार्टी में ही होता और कहीं नहीं होता, तब लिखा था मैंने। तो ये जो हमारा लगाव जुड़ाव रहा, लालू यादव जी हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत हमारी अच्छी कामना रखते हैं। तो ये होने के बावजूद मैं जब कांग्रेस से आया, चुनाव लड़ रहा हूँ, तो लोगों को देखा कि लोगों में ये बात बहुत पसंद आई कि साहब इन्होंने वचन दिया था, वही पटना मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, पटना वो लोग, पटना वाले हमें नहीं छोड़ेंगे, बिहार परिवार हमें नहीं छोड़ेगा, मैं अपने बिहार परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता हूँ। इस बात की पुष्टि होती है जब मैं उनका उत्साह देखता हूँ, समर्थकों का, प्रशंसकों का, वोटर्स का, सपोर्टर्स का जो जोश देखता हूँ, वो गजब है। भगवान उनके हमेशा हिफाजत करें। आपके खिलाफ़ में इस बार रविशंकर प्रसाद जी हैं, रविशंकर प्रसाद लगातार कह रहे हैं कि मैं पूरे चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा जी का नाम नहीं लूँगा, बिना नाम लिए ही यहाँ की जनता हमें जिता करके एक बार संसद भेजेगी। मैं उनका आदर करता हूँ, आप जानते हैं मैं रविशंकर प्रसाद जी की हमेशा प्रशंसा की है मैंने। मैंने कहा कि उनको अगर बंगाली में कहूँ तो बहुत दो लोग समझता हूँ, बहुत दो लोग, और हिंदी में तो कह ही रहा हूँ कि सो संभ्रांत परिवार से हैं, अच्छे हैं व्यक्ति, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। और उन्होंने कहा अगर नाम नहीं लूँगा, अगर शर्मिंदगी से कही है, तब तो मैं पूछूंगा भाई ऐसे क्या, ऐसा क्या कसूर है, मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरा नाम नहीं लोगे। लेकिन अगर उन्होंने आदर से कहा है, बड़े भाई की तरह कहते हैं बड़े भाई हूँ, और उस आदर से अगर मैं नाम नहीं लेंगे तो मैं कहूँगा ये उनकी बड़प्पन है और उसकी कदर होनी चाहिए। बीजेपी के नेता यहाँ लगातार कह रहे हैं कि 10 सालों तक यहाँ सांसद रहने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना की जनता के साथ छल किया है। अब ये तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, ये पहली बार सुन रहा हूँ छल किया। मैं तो हमेशा पटना के लोगों के साथ जुड़ा रहा हूँ, मैं तो हमेशा जितना यथाशक्ति यथा भक्ति मैं अपना योगदान दे सकता था पटना में, चाहे आपको एम्स अस्पताल हो, आपको पता है, चाहे हीमोफीलिया अस्पताल हो, पता होगा, चाहे अपना बंदरगाह है। आज नितिन गडकरी जी हमारे मित्र जितना जोर देते हैं इनलैंड वाटरवेज पे और कहते हैं कि हमने वो ट्रेड शुरू करवा दिया नदी मार्ग से, ये सबसे पहले किसने करवाया था? मेरे टाइम में जब मैं था, पटना से कलकत्ता, हल्दिया, पटना, वाराणसी, इलाहाबाद, ये ड्रेजिंग मैंने करवाया था। तो जितना हो सके, हाँ जेटी हमने गाय घाट में, आपको तो पता होगा, तो कोशिश तो की है। अब उनको कहने को कुछ रह नहीं गया, वो अपने दोष पे जाना ही चाहते हैं, अपनी गलतियों को मानना ही चाहते हैं। इलेक्शन की घड़ी है, वो देख रहे हैं लोगों का उत्साह, जोश, उनको लग रहा है कि राइटिंग ऑन द वॉल बहुत क्लियर है। और जनता न सिर्फ मेरे साथ है, बल्कि इस बार जनता लालू यादव उनके परिवार के साथ, कांग्रेस के साथ है, या यूं समझिए इस गठबंधन, महागठबंधन और पूरे विपक्ष के साथ है। तेजस्वी की छवि का भी आपको लाभ मिलेगा, चूँकि तेजस्वी यंग चेहरा भी राजनीति में है। बहुत अच्छा है तेजस्वी, तो बहुत ही अच्छा लड़का है, और मैं समझता हूँ उसने बहुत कम समय में बहुत ही मेच्योरिटी हासिल की है। वो बढ़िया बोलता भी है, ठहराव भी है, विषय की गहराई भी है, और जिस तरह से बोलता है वो मैं समझता हूँ अच्छे अच्छों को सीखना चाहिए। उसको परिवार के संस्कार भी मिले हैं,
राबड़ी जी और लालू यादव जी का तो बहुत बहुत संस्कार और ट्रेनिंग मिली है। मैं एक बात और कह दूं, लड़का वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, तेज प्रताप, वो बहुत ही ज्ञानी गुणी गंभीर व्यक्ति है। वो हो सकता है आप कुछ मीडिया में कभी चर्चा दूसरी तरफ आ जाती है, बट मैं उसको बहुत मानता हूँ, उसको तेजस्वी को और तेज प्रताप को भी, ये करके तो ये लोग अच्छा कर रहे हैं और आप देखिएगा इसका परिणाम बहुत ही अच्छा हो। सर एक आखिरी सवाल, आपके एक बयान के बाद बवाल मच गया है पूरी राजनीति। वो मैं क्लैरिफाई कर चुका हूँ, हालांकि क्लैरिफाई करने की आवश्यकता भी नहीं थी, इसलिए वो सिर्फ स्लिप ऑफ टंग था, एक चूक थी, एक चूक हो गई फ्लो में बोलते बोलते, एक्सटेम्पोर बोलते बोलते। ये ऐसे प्रधानमंत्री की कई बार चूक हुई है, उन्होंने 600 करोड़ लोगों को घर की चाबी दे दी थी, 9 करोड़ शौचालय बना दिए, पता नहीं कितना बड़ा घोटाला हुआ था, पटना किनारे गंगा किनारे उन्होंने सिकंदर पहुंचा दिया था, तो सिकंदर के ख़ानदान में आज तक कोई नहीं आया यहाँ पर, तो इसका बुरा नहीं मानना चाहिए, बहुत छोटी सी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्होंने साफ कहा है कि जो जिन्ना को लेकर के जो बयान दिया गया था वो स्लिप ऑफ टंग था, बाकी कुछ नहीं। कैमरा मैन मनीष के साथ विवेकानंद, न्यूज़ फाउंडेशन, पटना।